आप घूम के देख लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर में उसका जवाब देने के सुधांशु त्रिवेदी, लेकिन आप पहले मेरी बात सुनिए फिर आप वापस बोलना शुरू कर देते हैं। मैं आपकी आवाज कम कर रही हूँ। विवेक श्रीवास्तव भी हमारे साथ क्या बने हुए हैं? विवेक श्रीवास्तव जी, क्या मछली मटन का मुद्दा बीजेपी लेकर आई है? हेलीकॉप्टर में कौन दिखा रहा था मछली? मौका कौन दे रहा है? सैम पित्रोदा जब चमड़ी के रंग से, हाव भाव से, उनके चेहरों की बनावट से एक कंपेयर करने लगते हैं हिंदुस्तानियों को चीनियों से, अरब से, अंग्रेजों से, ये मुद्दा कौन लेकर आ रहा है? आप बीजेपी को थाल में सजा कर मुद्दे दे रहे हैं। नहीं देखिए, दो चीजें हैं इसके अंदर। पहली चीज तो ये है कि जो सैम पित्रोदा ने बोला वो कांग्रेस का आधिकारिक बयान नहीं था, उसके बदले में उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। जयराम रमेश ने उसको डिसोन किया, फॉर्मली कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया घटक अलायंस के घटक दलों ने भी डिसोन किया, दैट इज वन पार्ट। लेकिन बीजेपी नर्वस है, ये तीसरे चरण का चुनाव जो चल रहा है, नर्वस नहीं होते तो इतने सोच विचार के बाद, वेट एंड वॉच के बाद बिटभूषण सरन सिंह के सुपुत्र को ही टिकट ना मिलता। बाहुबलियों की इनकी इनको की जरूरत इनको पड़ रही है, ऐसा नहीं होता। यहीं से आगे लखनऊ से जाएंगे आप तो बाराबंकी, उसके आगे कैसरगंज, फिर गोंडा, आगे बलरामपुर। और अगर आप सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट को देखेंगे, अगर गोंडा से लड़ रहे हैं कीर्तिवर्धन सिंह, वो भी कौन है, ग्रजवाड़े के ही पुत्र हैं। तो ये इस वक्त एक नर्वस पोजीशन में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मुद्दे इनके पास नहीं है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक बार ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों का मसला लिया। आज अमित मालवीय ने जिस रिपोर्ट को रिलीज करके जिसकी बात करी है, जिसके अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में कंपैरिजन किया गया कम्युनिटीज में, वो बिल्कुल इलॉजिकल है, बेबुनियाद है, अनसाइंटिफिक है, और उसकी टाइमिंग सिर्फ इलेक्शंस को अफेक्ट करने के लिए है। जब सेंसस आपने 2021 में कराया ही नहीं, तो आप 2015 के पुराने आंकड़े में पहुंचे कहां से? कौन से सेंसस को आधार बनाए नहीं बता रहे हैं। फर्टिलिटी रेट अगर आप मेजर करेंगे मुस्लिम कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी की, तो बड़ा मार्जिनल सा डिफरेंस रह गया है, दे आर ऑलमोस्ट बिकमिंग इक्वल, ये देश की सच्चाई है। और जैसे जैसे कम्युनिटीज में एजुकेशन फैल रही है, क्योंकि आपने ये मुद्दा उठा ही दिया है जी, आप बार बार मीडिया पर ये आरोप लगाते हैं कि वो हिंदू मुसलमान करता है जी, लेकिन मुद्दा आपने उठाया, आपने सवाल पूछा है, तो अब इस सवाल का जवाब मैं सुधांशु जी से। अरे अमित मालवीय ने उठाया, लेकिन क्या रूबिका लियाकत उस पर डिस्कशन कर रही है? और अगर नहीं, फिर मैं आप पर आरोप लगाती हूं कि आप बीजेपी का जो एजेंडा है पोलराइजेशन का, हम एक्सपोज करेंगे ना के लिए। लेकिन लेकिन उस एजेंडे को, अगर मान लीजिए आप उसे एजेंडा कह रहे हैं, तो उस एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? नहीं, लेट द पीपल नो, जवाब दीजिए। कह रहे हैं लेट द हिंदूज ऑफ द कंट्री नो ना, अनसाइंटिफिक, देश के हिंदुओं को पता चलना चाहिए ना कैसे बेवकूफ बन रहे हैं। और विवेक जी के अनुसार ठीक है, देश को पता लगा दिया, आपने बता दिया है, कैसे उनका बेवकूफ बनाया जा रहा है? अरे देश के हिंदू और मुसलमान दोनों को पता लगना चाहिए कि कौन किसको कितना बेवकूफ बना रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सुधांशु जी, जो अमित मालवीय की रिपोर्ट का जिक्र अभी कर रहे हैं विवेक श्रीवास्तव, वो ये कह रहे हैं ये अनसाइंटिफिक है, इसका कोई आधार ही नहीं है। मैं जवाब देता हूँ। देखिए, एक बड़ी शिद्दत के साथ आखिर में अपने मुद्दे पे विवेक श्रीवास्तव जी आ ही गए। जो अमित मालवीय जी ने रिपोर्ट की बात कही है, उसमें कौन सी खास बात है? तो कोई जाके अपने अपने आईफोन पे, अभी जाके मोबाइल पे जाके, लैपटॉप पे जाके बैठ के देख लीजिए अपने स्मार्टफोन पे। 1951 की जनगणना में हिंदू 88% था, मुसलमान 9.5% था, और 2011 के सेंसस में 14.5% से अधिक मुस्लिम हो गया, हिंदू 80% से कम होकर 79.8 हो गया। इसमें अनसाइंटिफिक कहाँ से नजर आ रहा है, विवेक श्रीवास्तव जी से पूछते हैं। और जो ये असदुद्दीन ओवैसी की भाषा ये बोल रहे हैं कि फर्टिलिटी रेट कम हुआ, फर्टिलिटी रेट कम हुआ उसके बाद आबादी डेढ़ गुना बढ़ गई, गजब का तर्क है साहब। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो सीमावर्ती जिले थे, असम का धुबरी, बरपेटा, करीमगंज और मालदा, जहां 20 साल के अंदर मुसलमानों की पॉपुलेशन 10% से 35% हो गई, ये फर्टिलिटी रेट कम हो रहा था मगर पॉपुलेशन कई गुना बढ़ रही थी। अब उसका भी मैं जवाब देना चाहता हूं, देश की जनता समझ ले, पॉपुलेशन तीन तरीके से बढ़ती है। एक तो है जनसंख्या का नेचुरल वे में बढ़ना, जो फर्टिलिटी रेट, दूसरा कन्वर्जन, और तीसरा इन्फिल्ट्रेशन। तो ये जो मुस्लिम्स की जनसंख्या बढ़ी है, तीन तरीके से बढ़ी है। एक तो जनसंख्या का बढ़ना, वहां अधिक संभावना है क्योंकि बहुविवाह की मान्यता है कानूनी, दूसरा धर्मांतरण, और तीसरा घुसपैठ। अन्यथा ये मुझे बता दें कि भारत के 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में हो गया, दर्जनों जिलों में हिंदू माइनॉरिटी में हो गया। विवेक श्रीवास्तव जी, चैलेंज करके आपसे पूछता हूं, एक राज्य बताइए जहां मुस्लिम की जनसंख्या कम हो गई।